जितने भी लोग देख रहे हैं गाइस, सो प्लीज इनके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं, इनको सपोर्ट करो। जितने भी लोग हैं जितना हो सके उतना शेयर करो। टैटू कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना जरूर, मेरी मेहनत कैसी लगी वो बताना जरूर। दिल लगा ये चुना नहीं, पहले मैंने सोचा ये टी शर्ट पहन लूं, लेकिन ये टी शर्ट पहनने के बाद एक्चुअली में सच्ची में ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये बोलना है कि ये टाइम पर, आई मीन ये पैंडेमिक के टाइम पर एक्चुअली में आप जितना भी अच्छा कर्म करोगे भगवान देख रहा है। और आपका जो जैसे सचिन बोलता है हमेशा कि आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो एक गुड बुक में लिखी जा रही है, और वो गुड बुक में लिखा जा रहा है जब आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जब आप ऊपर चले जाओगे तो भगवान जी आपको बहुत अच्छा अच्छा करेंगे और इस लाइफ में भी करेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कर्मा इज वेरी इंस्टेंट, राइट। तो अगर आज अच्छा करोगे तो क्या पता दूसरे ही पल आपको कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, सबको अच्छा अच्छा रखिए, सबको खुश रखिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनिए, सबके लिए अच्छा करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। और ये जो क्रिंज क्रिंज चल रहा है आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे, तो वो नहीं करते यार, हेट ऑलरेडी बहुत है दुनिया में, तो प्यार बांटते हैं ना। सो गाइस, कर्मा से याद है मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ कर्मा हुआ था। दो आम थे, एक इसके लिए एक और एक मेरे लिए, तो मैं सोचा एक जो एकदम अच्छे से येल्लो येल्लो दिख रहा है वो मैं खाऊंगा और थोड़ा ग्रीन था वो उसको दूंगा, लेकिन मेरे आम की गुठली में ना थोड़ा सा ऐसा, समझ जाओ, हाँ वो आम इतना अच्छा नहीं था, आम अच्छा नहीं था, उसके बीच में चोट लगी हुई, मम्मी बोलती थी कि ऐसे आम में चोट लगी हुई रहती है, तो वो थोड़ा सा उसको निकाल कर खाना पड़ा, तो लाइक इंस्टेंट कर्मा। सो गाइज, हम लोग का एनिवर्सरी है और आज हम लोग एक बहुत स्पेशल चीज कराने जा रहे हैं हम दोनों के लाइफ में, जो हम लोग हर हमेशा फॉलो करते हैं। यस यस यस, तो वहां पे जाने के बाद आपको बताते हैं कि क्या, कहां पे जाने वाले और क्या करने वाले। वैसे टाइटल से तो समझ आप लोगों को ये वीडियो देखना पड़ेगा कि हम लोग ने टैटू किया क्या है, क्योंकि वो आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा। ओके, तो फाइनली वी आर रिवीलिंग इट, वी आर गोइंग समवेयर टू डू टैटूज, और क्या टैटू कराने वाले उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहला टैटू ये है, इसको भी हमारा और अभी भी हम लोग वही टैटू कराने जा रहे हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। ये wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. ये प्राइम लेंस है ना, तो इसमें इसलिए मैं बोला व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि काफी पास में दिखता है, अभी मेरे फेस के पास में है, दिस इज गुड फॉर अगर मेरे पीछे कोई ये बंदा तो उसके लिए कितना 10-18 है ना, तो ये फिर भी पूरा जूम नहीं है, अभी इसमें मैं और जूम कर दूं तो देखो, तो इसमें कैसा अपना पूरा स्टोर बराबर से दिख रहा है। तो मेरा टैटू फाइनलाइज हो चुका है। बेसिकली डूइंग हम लोग दोनों भी सेम ही कर रहे हैं, बट फॉन्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। फाइनल टैटू देखने मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। पता है मुझे एक मिनट का स्टार्टिंग का देख के एक्साइटमेंट में आप लोग सीधा 10वें मिनट पे चले जाते, तो ऐसा कुछ करना नहीं, ठीक है, पूरा देखना किस पेन से हम गुजरने वाले हैं वो पूरा देखना। You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you. Your first tattoo or second tattoo? Second tattoo. This is the second tattoo. So today, बहुत ज़्यादा ही pain. नहीं होगा. होगा. नहीं होगा। और वो वीडियो के अंदर है ना, लाइन से हम लोग ने बोला, ऐसे ही बोला था कि हम लोग को दो महीने पहले उसके पहले 2 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि हम लोग को एक 5 सेकंड का बोला था सिर्फ, हम लोग ने कि टैटू करना कराना है, बताओ किससे करें,
सजेस्ट करो उस वीडियो में, उस वीडियो में लाइन में आपका नाम था। तो मैं बोली मतलब कोपर खेलने में रहते पता कैसे नहीं, क्योंकि हम लोग एरोली में रहते हैं। तो फिर बाद हम लोग इधर ये मूवी देखने इधर काफी आते हैं, बाजू में बालाजी में। हाँ, बालाजी में वो पास में है ना सबसे। स्टोर पर एक कांदीवली से बंदा है, बोलते कि आपको प्लीज उनके पास जाना टैटू बनाने के लिए। ये देखा ये इधर तो थैंक्स टू सब्सक्राइबर्स, मतलब सीरियसली जो गाइस आप बहुत अच्छे हो पता है, अच्छी में बहुत अच्छे मतलब जीते जी यार, मतलब इतना मतलब इतना तो कॉपर गिरने में, तो इसलिए मैं और खुश हो गई कि यार बगल में जाते हैं ये डिफरेंस बताओ ना, ये मशीन और जो बंदा दूसरा एक मशीन यूज कर रहा था उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। नहीं है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ रिचार्जेबल टाइप से। हाँ, दिस इज अ बैटरी, ये बैकअप देता है, मतलब कभी लाइट जाती है या मैं ट्रैवल ज्यादा करता हूँ ना। अच्छा, मोस्टली हाँ, तो मुझे कहीं भी मुझे ये सब कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले मशीन में कैसे आते हैं, आवाज ज्यादा आता है ना, और उसके पार्ट भी एकदम अलग अलग होते हैं। ये वाले जो पावर सप्लाई होता है बहुत आवाज था, स्टील का कुछ था, स्टील का था, कॉइल्स रहते हैं उसमें। अभी तक चालू है। Are you ready? Yes! जंग पे जा रहे हैं क्या? जंग पे जा रहे हैं। जब बाइक सिखा रहा था ये मुझे, मैं फर्स्ट टाइम गिरी थी, तभी भी ऐसा दुख नहीं हुआ था। ये रंग अभी कैसा लग रहा है, मतलब डर लग रहा है कैसा? हार्ट बीट तेज है, बट एक्साइटमेंट है बड़ी। सो फर्स्ट किस से स्टार्ट करूं? लव। लव से स्टार्ट करूं क्योंकि एनिवर्सरी है हमारी। जगह चेंज कर लूँ मैं मेरी, बताओ क्या बताओ यार। लव के बाद में लव बोलते क्या याद आता है? लव से क्या याद आता है? मैं दिखता हूँ कौन ही मारूंगी मैं बच्चे। मैं दिखता हूँ ये बाइक दिख रहा है, मैं दिखता हूँ ये बाइक दिख रहा है, अंदर से कुछ फील आ रहा है। लव लव क्यों बनाया बताओ, रीजन चाहो यार बताओ ना। देखो लव का वी तक हो चुका है, एल ओ वी, अभी लास्ट ई बाकी है, अभी भी चांस है आपको बताने का एक्सपीरियंस। अभी खेलना अच्छा है, कुछ तो याद है। अच्छा, यस यस, वेरी ओके वेरी ओके। वीडियो के लिए बनाना पड़ा। हाँ, ऐसा प्रेशर डालने का देर है तुम्हें, बताओ। हाँ, क्या क्या याद आ रहा है आपको? मैं दिखता हूँ या बाइक दिखती है? बाइक दिखती है, अभी भी यार बाइक दिखती है। नहीं, इसने ही सिखा, इसने ही बिगाड़ा है मुझे, इसकी गलती है। नेक्स्ट लेटर क्या है? अब कर रहे हैं लाफ, लेकिन अभी मैं बना देना आ रही हूँ। अभी देखते हैं सचिन के साथ क्या हो रहा है। जो पहला एक्सप्रेशन रहता है ना, वो इंसान का लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक उंगली में होने के बाद ठीक हो जाता है, दूसरे उंगली के बाद ठीक होता है, तीसरे चौथे में तो कुछ पता भी नहीं चलता है, बट पहला उंगली में जो मजा आता है ना, दर्द आंखों में दर्द है इतना नहीं है। ओके, हाँ, तो टैटू बनाने के बाद इतना अच्छे नहीं दिखते, ते कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से दिखते हैं। जॉइंट डेंजर है। मेरे टाइम पे तो बहुत हंस रहा था, मेरे टाइम पे बहुत हंस रहा था, अभी हंस के दिखा। नहीं नहीं, उस हंसी के पीछे दुख और दर्द छुपा। तू रुके, ऐसा क्या हुआ कि तू मान गया करने के लिए? मैं लास्ट एक डेढ़ साल से बोल रही थी कुछ कराते कुछ कराते, सब यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं फील होता तो नहीं करना चाहिए, मरते दम तक ये रहने वाला है। Thank you.
सभी लोग देख रहे हैं गाइस, सो प्लीज इनके ब्लॉग बहुत अच्छे हैं गाइस, सो प्लीज इनको सपोर्ट करो। जितने भी लोग हैं जितना हो सके उतना शेयर करो। टैटू कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना जरूर, मेरी मेहनत कैसी लगी वो बताना जरूर, बाकी इसने सो गाइस कीप रॉकिंग। देखो होगा कि कितना दर्द हुआ ये करने के लिए, उंगलियों में टैटू करने में बहुत पेन होता है। मैंने वो टैटू करते वक्त बोला था सबसे कमीनी और हरामी फिंगर ना ये है मेरे लिए, ये है ये रिंग फिंगर मुझे बहुत दर्द दिया था। एनीवेज तो बोला ये है, मैं नहीं देता ले। 5 साल पहले इसी टाइम पर हम लोग ने ये वाला टैटू किया था जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और आज 5 साल बाद हमने वो चीज़ करवाया है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो मुझे पूछा गया था कि सबसे पहला टैटू कौन सा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी कि व्हाट दिस मींस टू मी। ओके, तो सबसे पहले मुझे बोला था क्या बनाना है, तो मैंने बोला था लव बनाओ बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ओके, उसके बाद पूछा सेकेंड चीज़, तो मैंने बोला ट्रैवल। ट्रैवल के बाद मैंने बोला हंसी, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ, और अगर ये 3 चीज़ आपके लाइफ में है तो लिव तो एनीवेज हो ही जाएगा, है ना, इसलिए लिव के साथ हार्ट बीट से और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। सो आई हैव आल्सो मेड द सेम टैटू बट इन अ डिफरेंट फॉन्ट। मैं काफ़ी सटल बंदा हूँ वो हिसाब से, सो हम लोग ने कॉपी कुछ नहीं किया है, किरण वाज ट्राइंग टू कॉपी मी, इसलिए मैंने मेरा वाला जो फॉन्ट है बाद में डिसाइड किया कि मैं बाद में करूँगा। सो आई थिंक दीज 4 एलिमेंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। लव भी इम्पॉर्टेंट है, लव भी इम्पॉर्टेंट, सब बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल भी आप 12 महीने नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम लोग नहीं कर पाते, तो सब चीज़ें बैलेंस होने की फायदे, क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रैवल वाला चीज़ जो है बहुत अच्छा बोला। सो दिस इज हाउ इट इज, तो मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, ऐसे लग रहा है नूडल नूडल। सो वैसे भी टैटू किसी और को समझने के लिए नहीं होता है, ये आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है वो आपको समझने के लिए होता है। तो एनीवेज अभी सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट।